For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. आरोही और दीप की कहानी में एक बार फिर से आपको काफी सारा धमाका देखने को मिलेगा। जी हाँ, शो के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब सबको पता चल जाएगा कि अब निक्कू भी जिंदा है, जिसके बाद रोमा पूछने वाली है दीप से बहुत बड़ा सवाल। लेकिन दीप क्या बोलने वाला है, ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता दें, जहां दिखाया गया कि दीप पहुंच जाता है आरोही के पास, जहां सब लोग पूछते हैं उस ड्राइवर से कि आखिर किसने बोला था उसे आरोही को किडनैप करने के लिए। तो वहीं वो किडनैपर सबके सामने आरोही का नाम ले लेता है, जिससे रोमा को ये पता चल जाता है कि आरोही अभी भी जिंदा है। तो वहीं आपने शो में भी देखा कि कैसे आरोही को ये पता चल जाता है कि निक्कू को कहां रखा है दीप ने, और आरोही पहुंच जाती है निक्कू के पास, जहां वो पृथ्वी पर हमला कर देती है। और अब आपको बता दे कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जल्द ही शो में आएगा ट्विस्ट, जहां रोमा पहुंच जाएगी दीप के पास और दीप से पूछेगी कि आखिर क्यों उसने निक्कू को जिंदा रखा है। तो वहीं दीप ये सब सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाएगा। लेकिन सबसे मजेदार देखना ये होने वाला है कि आखिर क्या दीप जवाब देने वाला है रोमा को, और क्या इस बार दीप का असली मकसद आ जाएगा रोमा के सामने। ये सब जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं शर्म मसीद नहीं, और भी अपने फेवरेट इश्क में मर जाओ से लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्क में मरजावा की कहानी में एक बार फिर से आपके सामने कुछ ऐसे राज आने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। तो वहीं शो के आने वाले ट्रैक में आपको काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उसकी पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता दें, जहां दिखाया गया कि आरोही पहुंच जाती है सबके सामने घर। तो वहीं सबके सामने वो किडनैपर आरोही का नाम ले लेता है और कहता है कि उसी ने कहा था उसे किडनैप करने के लिए, जिसके बाद ये सब सुनकर रोमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि आरोही अभी तक जिंदा है। तो वहीं आपने शो में भी देखा कि कैसे विराट के सामने सचा जाता है कि निक्कू अभी तक जिंदा है। और अब आपको बता दे कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि निक्कू को हो गई है बड़ी बीमारी और वो इसी वजह से नहीं बोल रहा है। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में जल्दी खुलासा होगा कि निक्कू अब नहीं बोल सकता, जिसके बाद आरोही ये सब देखकर काफी ज्यादा टूट जाएगी। तो वहीं अब शो में ये देखना हो जाएगा काफी ज्यादा मजेदार कि आखिर कैसे आरोही लेगी निक्कू का पूरा बदला, और क्या इस बार दीप होने वाला है पूरे तरीके से बर्बाद। ये सब जानने के लिए मंजरी हमारे साथ। फिलहाल मैं शुरू बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट इश्क में मर जाओ लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्क में मर जाओ से जुड़ी सारी उलझने आज हम आपके सामने सुलझा देंगे। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आखिर क्या जवाब देने वाला है दीप, ये सब हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता देते हैं, जहां दिखाया गया कि दीप और आरोही दोनों वापस आ जाते हैं अपने घर। लेकिन वो किडनैपर सबके सामने आरोही पर लगा देता है इल्जाम, जिससे रोमा को ये पता चल जाता है कि आरोही अभी तक जिंदा है। तो वहीं आपने शो में भी देखा कि कैसे आरोही को पहुंच जाती है निक्कू के पास, लेकिन निक्कू उसे कुछ नहीं बोल पाता। और अब आपको बता दें कि शो के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरोही सबके सामने ले आएगी निक्कू को, जहां रोमा उठा देगी सवाल कि आखिर क्यों दीप अभी तक जिंदा रखा है आरोही के भतीजे को। तो वहीं अब हम आपको जानकारी दे दें कि शो में जल्दी होगा सबसे बड़ा खुलासा, जहां दीप अभी तक करता होगा आरोही से प्यार, और यही वो वजह होगी जिसके कारण निक्कू को अभी तक जिंदा रखा है दीप ने। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में होगा खुलासा, जिसके बाद अब शो में यह देखना होने वाला है काफी मजेदार कि आखिर कैसे दीप बताएगा सबको सच्चाई, और क्या होगा शो में आगे आरोही और दीप का मिलन। ये सब जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। फिलहाल अपना स्टोरी में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट इश्क में मर जाओ लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट।
For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. आरोही और दीप की कहानी एक बार फिर से पूरी पलटने वाली है। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोमा उगलवाएगी निक्कू से पूरी सच्चाई, जहाँ सबके सामने होगा बहुत बड़ा धमाका और रोमा को भी पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन वो कैसे, ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप दे दें, जहाँ दिखाया गया कि दीप और आरोही दोनों वापस आ जाते हैं अपने घर, जहाँ वो किडनैपर सबके सामने आरोही पर इल्ज़ाम लगा देता है। तो वहीं ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है रोमा और सबको पता चल जाता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। और फिर आपने शो में भी देखा कि कैसे निक्कू को दीप के पास देखकर आरोही भी चौंक जाती है और वो आधी रात को पहुंच जाती है निक्कू से मिलने। और आपको बता दें कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब जल्द ही आएगा शो में बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां निक्कू दीप की पूरी सच्चाई रोमा को बता देगा। जी हां, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां रोमा को पता चल जाएगा कि आखिर क्यों दीप ने निक्कू को अभी तक जिंदा रखा है। जिसके बाद अब शो में भी यह देखना होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कि आखिर कैसे रोमा करने वाली है ये सब जानकर रिएक्ट, और क्या इस बार वो दीप के मुंह पर एक जड़ने वाली है एक जोरदार तमाचा, ये सब जानने की बंजे मेरे साथ। फिलहाल मैं शो में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट इश्क में मर जासू लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. आरोही और दीप की कहानी में एक बार फिर से आपको काफी सारा धमाका देखने को मिलेगा। जी हाँ, शो के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब सबको पता चल जाएगा कि अब निक्कू भी जिंदा है, जिसके बाद रोमा पूछने वाली है दीप से बहुत बड़ा सवाल। लेकिन दीप क्या बोलने वाला है, ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता दें, जहाँ दिखाया गया कि दीप पहुँच जाता है आरोही के पास, जहाँ सब लोग पूछते हैं उस ड्राइवर से कि आखिर किसने बोला था उसे आरोही को किडनैप करने के लिए। तो वहीं वो किडनैपर सबके सामने आरोही का नाम ले लेता है, जिससे रोमा को ये पता चल जाता है कि आरोही अभी भी जिंदा है। तो वहीं आपने शो में भी देखा कि कैसे आरोही को ये पता चल जाता है कि निक्कू को कहाँ रखा है दीप ने, और आरोही पहुँच जाती है निक्कू के पास, जहाँ वो पृथ्वी पर हमला कर देती है। और अब आपको बता दें कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जल्द ही शो में आएगा ट्विस्ट, जहाँ रोमा पहुँच जाएगी दीप के पास और दीप से पूछेगी कि आखिर क्यों उसने निक्कू को जिंदा रखा है। तो वहीं दीप ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएगा। लेकिन सबसे मज़ेदार देखना ये होने वाला है कि आखिर क्या दीप जवाब देने वाला है रोमा को, और क्या इस बार दीप का असली मकसद आ जाएगा रोमा के सामने। ये सब जानने के लिए बन जाए हमारे साथ। फिलहाल मैं शर्म बसे नहीं, और भी अपने फेवरेट इश्क में मर जासू लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्क में मरजावा की कहानी में एक बार फिर से आपके सामने कुछ ऐसे राज आने वाले हैं जिसे सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। तो वहीं शो के आने वाले ट्रैक में आपको काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उसकी पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता दें, जहां दिखाया गया कि आरोही पहुंच जाती है सबके सामने घर। तो वहीं सबके सामने वो किडनैपर आरोही का नाम ले लेता है और कहता है कि उसी ने कहा था उसे किडनैप करने के लिए। जिसके बाद ये सब सुनकर रोमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि आरोही अभी तक जिंदा है।
तो वहीं आपने शो में भी देखा कि कैसे विराट के सामने सचा जाता है कि निक्कू अभी तक जिंदा है। और अब आपको बता दें कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि निक्कू को हो गई है बड़ी बीमारी और वो इसी वजह से नहीं बोल रहा है। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में जल्दी खुलासा होगा कि निक्कू अब नहीं बोल सकता, जिसके बाद आरोही ये सब देखकर काफी ज्यादा टूट जाएगी। तो वहीं अब शो में यह देखना हो जाएगा काफी ज्यादा मजेदार कि आखिर कैसे आरोही लेगी निक्कू का पूरा बदला और क्या इस बार दीप होने वाला है पूरे तरीके से बर्बाद। ये सब जानने के लिए बन जाइए हमारे साथ। फिलहाल मैं शो में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट इश्क में मर जाऊं से लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।